तो कल सीएम योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग की और इस मीटिंग में आगामी त्योहार को लेकर सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं। साथ ही अवैध धर्मांतरण को लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए और आगामी त्योहारों यानी बकरीद को लेकर कावड़ यात्रा को लेकर भी सीएम ने इस बैठक में निर्देश दिए। आपको बताएं कि देखिए सीएम की तरफ से चेतावनी दी गई धर्मांतरण के धंधेबाजों को, अवैध धर्मांतरण की हर कोशिश पर कठोर कार्रवाई करें, ये निर्देश सीएम ने दिए। अवैध धर्मांतरण बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का षड्यंत्र है, ये कहते हुए सीएम योगी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर भी सीएम के दिशा निर्देश है। बकरीद पर तय स्थान पर ही कुर्बानी हो, सीएम ने निर्देश दिए हैं और कावड़ यात्रा को लेकर भी जो व्यवस्था है उनको लेकर भी सीएम ने निर्देश दिए। कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मीट बिक्री हरगिज ना हो, ये सीएम ने निर्देश दिए बैठक में। नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीतीश, आगामी त्योहारों को लेकर कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण रही, सीएम योगी ने अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए, जरा विस्तार से बताइए। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों के निर्देश है साफ तौर पर। अगर बात पहले बकरीद की कर ले, बकरीद में साफ तौर पर ये कहा कि शरारती तत्वों से पूरी तरह से सावधान रहें, एक एक चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर कहा कि जहां खुले में मीट की दुकानें हैं उनको उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके साथ ही जगह जगह हेल्प डेस्क की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज अगर बात करें कल की बैठक, तो कल की बैठक त्योहारों के मद्देनज़र महत्वपूर्ण रही। और आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले साल जो कांवड़ यात्रा हुई थी उसमें जो इंतजाम थे उससे कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं वो संतुष्ट दिखाई दिए। ऐसी स्थिति में सावन आने वाला है और सावन में बड़े पैमाने पर कांवड़िए उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो पूर्वांचल की ओर रुख करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था होती है वो सुरक्षा के लिहाज से भी होती है और कांवड़ बंधुओं की जो अपनी व्यवस्था है उसे लेकर होती है। तो अब ये देखना होगा कि जो व्यवस्था निखर के सामने आती है, जो सुरक्षा की व्यवस्था हो या फिर कांवड़ बंधुओं के लिए जगह जगह ठहरने की व्यवस्था हो, उचित इंतजाम होने चाहिए, जहां पर उनकी सुरक्षा के मायने साफ हो उसके लेकर किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इन सारे बिंदुओं को कल इस बैठक में रखा गया है और पूरी तरह से इंतजामों से लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए हैं। जब कांवड़िए आएँ तो उनके मार्ग जो हैं वो पूरी तरह से व्यवस्थित होने चाहिए, यानी जहाँ से कांवड़िया मार्ग है वहाँ पर सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त होनी चाहिए। ये सारे निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। अब जो विभाग है इस पर काम करना शुरू भी कर चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में अच्छे नतीजे दिखने हैं और अगर नहीं दिखेंगे तो सीएम की कार्रवाई भी तय है। जी बिल्कुल नीतीश, बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अभी देने के।